दीपा बंगाल में फूंकेंगे लोकसभा चुनाव प्रचार का बिगुल। दो रैलियों को करेंगे संबोधित। मथुआ संप्रदाय की महारानी वीणा पानी देवी के घर के नजदीक रैली का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा की प्रदेश इकाई को उम्मीद है कि मोदी ठाकुर नगर में नागरिकता संशोधन विधेयक पर बोलेंगे। कोलकाता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सीमावर्ती उत्तर 24 परगना जिला और औद्योगिक नगर दुर्गापुर में रैलियों के साथ आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। दोनों रैलियों के आयोजन स्थल का राजनीतिक महत्व है। आयोजन स्थल ठाकुर नगर में मथुआ समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। मूल रूप से यह समुदाय पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश से यहां आया था। धार्मिक अत्याचार की वजह से 1950 के दशक में इन लोगों ने यहां पर पनाह ली थी। मथुआ संप्रदाय की महारानी वीणा पानी देवी के घर के नजदीक रैली का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा की प्रदेश इकाई को उम्मीद है कि मोदी ठाकुर नगर में नागरिकता संशोधन विधेयक पर बोलेंगे। पार्टी सूत्रों ने कहा कि भाजपा से संबद्ध ऑल इंडिया मथुआ महासंघ रैली का आयोजन कर रहा है। पश्चिम बंगाल में मथुआ लोगों की आबादी 30 लाख होने का अनुमान है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले में कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर इस समुदाय का प्रभाव है। दुर्गापुर रैली का आयोजन राज्य में भाजपा के गणतंत्र बचाओ कार्यक्रम के तहत होगा। औद्योगिक नगर दुर्गापुर आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के नजदीक है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो आसनसोल का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने कहा, हमारे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने 23 जनवरी को मालदा की रैली से बंगाल में चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। मोदी जी भी नदिया और वर्तमान जिले में अभियान शुरू करेंगे और बंगाल के अभियान को गति देंगे। इसके बाद सिलीगुड़ी में 8 फरवरी को मोदी की तीसरी रैली आयोजित होने वाली है।